आफ्टरनून एवरीवन, टाइम है सुबह दोपहर के 12:10। मैं हूँ था सुबह से बिजी, तो ब्लॉग करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और तो कोई नहीं, देखते आज का दिन कैसा रहता है कैसा नहीं रहता, जैसे भी रहता हूँ देख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाकी आज आने वाले हैं घर पे गेस्ट, अनाबिया, मुझी भाई, जिनत, बाकी और भी गेस्ट आने वाले, तो उन्हीं की तैयारी चल रही थी। बाकी देखते किस टाइम तक आते हैं, कैसे आते हैं, और आते ही सबसे पहले भी मिलवाता हूँ आपको अनाबिया से, और काम बाद में। बाकी देखते कितनी देर में आएंगे, कोई नहीं, चलो जब तक करते हैं उनका इंतज़ार और आप भी वेट करो। लो भाई, टाइम हो गया 1:40 और पता चला अनाबिया बाबू आ गए। ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, गंदा बच्चा, ये केला बनाना खा रही है, बनाना, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। बाकी ये आ गए थे काफ़ी देर पहले, तो मैं बिजी था काम में, तो मैं इसे दिखाई नहीं पाया। अभी फ्री होया हूँ तो मैंने सोचा ना जरा दिखाई जाए। हाँ भाई गुड़िया, क्या हाल है? बंद करो इसे एक बार। गुड़िया क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रही। ईद पे क्या मिला आपको? ईद पे सब मिला। सब मिला? कितने रुपए मिले आपको ईद पे? बहुत सारे मिले। बहुत सारे मिले? और कल कितने मिले? कल भी बहुत सारे मिले, मैं हमारे पास इतने हो गए। इतने कितने हो गए? इतने इतने हो गए। हाँ, हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, हम गुल्लक में रखेंगे। अच्छा, बहुत सारे पैसे हो गए, गुल्लक में रखोगे? हाँ। और मामू को क्या दोगे? मामू को भी दूंगी। कब दोगे मामू को? ईद पे आप आओगे? ईद तो जाली बाबू, ईद पे गया तो था मैं आपके घर, फिर कुछ है? फिर आप क्या आप बताओ आपके कपड़े तो है नहीं? कपड़े तो है नहीं, लाने पड़ेंगे। हाँ तो लाओ मेरे कपड़े, नए कपड़े लेके आते आप। अपने पापा को बोलते? बोल दूंगी। अपनी मम्मा को बोलते? एक मामू के कपड़े तो लेके चलो। बोल दूंगी। बोल क्यों नहीं बोल रहा ये बताओ आपने? मैंने नहीं बोला। आप तो हॉस्पिटल चल जाओ। अच्छा, मैं हॉस्पिटल चले जाता हूँ तो कपड़े पहनता नहीं मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो? आपके कपड़े आपके कपड़े बुढ़ाने लाएगी हम तो। अच्छा, आप मेरे कपड़े बुढ़ाने से लाओगे आप? हाँ, पापा भी लाएंगे, मैं भी आपके। अच्छा चलो, कितने क्या मंगवाने? कितने जोड़ी मंगवाने? हाँ। जितने जोड़ी आप लेके आ जाओ। ठीक है बेटा। 50 जोड़ी ले आओ, 100 जोड़ी ले आओ, 500 जोड़ी ले आओ। ठीक है ठीक है, बहुत सारे लाऊंगी। बहुत सारे लाओगे? हाँ। मेरा बेटा लो भाई, चलो गुड नाइट। फिर हम रोज इफ्तार करेंगे। रोज इफ्तार करेंगे? अच्छा चलो जी, हम मैं करता हूँ इसके साथ थोड़ी देर बैठ के बात, और तब तक रात होगी। रात हो जाएगी? हाँ। अच्छा फिर खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ खाना भी खाएंगे, खाना क्यों नहीं खाएंगे। बाकी चलो मैं जब तक इससे बैठ के बातें करता हूँ काफ़ी सारी, और तब तक लड्डू भी आ जाएगा, उधर बड़े पापा की तरफ लड्डू जा रहा है। कोई नहीं, जब तक आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलो तो आ गया हूँ ऊपर से नीचे, और आगे छोटा पहलवान आ भाई, इधर आ, खड़ा हो गया इधर इधर आ, इधर 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 क्या कर रहा है? ये मेरा बेटा, ऊपर लेटा जा। ये मेरा लाडला बेटा भाई, ये मेरा लाडला बेटा भाई, स्माइल डोन है भाई। क्या कर रहा है ये, क्या ले रहा है तू? कोल्ड ड्रिंक जलजीरा। कोल्ड ड्रिंक जलजीरा ना भी हो रही है, पापा उधर सो रहे, बाकी सही है। रोटी खा ली तुमने? क्या खा गए तुम ये बताओ? एप्पल खा गया। और क्या खा गया? और क्या खा के आया? कुछ नहीं। बाकी ईदी कितनी मिली कल तुझे? पैसे मिले कल तुझे कितने सारे? है भाई कितने सारे मिले? बहुत सारे। हाँ। अच्छा स्कूल जा रहे हो तुम? कब से जाओगे? क्या नाम है आपका ये बताओ?
बम्बई जू। बम्बई जू नाम क्या आपका? बम्बई सू। बम्बई सू बम्बई सू बाबा ईसू ईसू बोलते तू ये? अच्छा जी, चलो किसका बेटा तू? ए भाई ईसू किसका बेटा तू? मेरा मेरा बेटा। चलो बाय बाय गुड़िया। अनाबिया अनाबिया क्या कर रहे हो? हैं क्या देख रहे? कुछ नहीं कर रही। अच्छा चलो जी, वो फोन देख रही है जो मेरे पास लेटा हुआ है। बाकी कोई नहीं, देखते अब खाना वाना खाते हैं, थोड़ी देर में गर्दन में दर्द होने लगा है। चलो जी टाइम हो गया इनका जाने का। लड्डू चल यहीं रुक जा, चल जब अब्बा के पास जा, गाड़ी में जाना। चलो जी इनका टाइम हो गया जाने का, अब देखो कैसे। नहीं जाना नहीं है, टोटन जाना है रहो शिकारपुर अब्बा के पास। घर जाओगे? घर जाएगा। चल तो आप बैठ गाड़ी में, इनका जाने का टाइम हो गया। लंडे ड्रामे कर रहा। चलो जी पहुँचो आराम से, आ जाने दो ने भी। बाय बाय ओए बाय बाय। इनका जाने का टाइम होगा, ये जाएंगे घर और बाकी अना भी ऊपर से आएगी तो उसे आ जाने दो। बाकी और जो सिस्टर वगैरह हैं वे सब भी ऊपर से आएंगे, ऊपर ही तो नहीं देखते कितनी देर में रवाना होते, फिर हम कहाँ जाते, किधर जाते, कैसे जाते देखते हो बाद में। जा रहे हो? कब आओगे? दोबारा से कल फिर आओगे? कल नहीं आना, अपना पढ़ना है ठीक है, और जब छुट्टी पड़ेगी ना तब आएंगे। कब पड़ेगी छुट्टी आपकी? हैं दे दिए अम्मी ने दे दी। चलो जाओ बैठ जाओ गाड़ी में, देखो बैठ गया लड्डू उधर, अब तो बैठ जा जाके ठीक है। ए क्या सोच रही? जा भाग के जाओ उधर, पापा पापा उधर से उधर से उधर से देख, इधर 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 देख जी। मिल गए क्या? अरे मिल गए, कितने मिले? चलो जी ये तो जा लिए अपने घर, और मेरी बाइक उठा के जाता हूँ कहीं को जंगल वंगल में घूम के आते, देखते क्या चल रहा है क्या नहीं। ले ये लेती जा, हेलमेट बनता है ले तो ये लेती जा, और अपना मुझे बाइक की जब भी फोन की तो देखते हूँ जंगल वंगल में कहीं घूम के आते हैं, देखते क्या चल रहा है क्या नहीं। तो जी मैं आ गया था अनाबिया वगैरह को छोड़ के, मतलब वे घर चले गए थे तो मैं आ गया था घूमने के लिए खेत में। तो बाकी खेत भी सब देख के आ गए, बड़े खड़े सबके, ज़्यादातर गेहूँ सबके पक गए और पकने वाले मतलब थोड़े बहुत ही रह गए। सबसे ज़्यादा कच्चा खेत ही खड़ा है, पता नहीं किसका बेचारे अपने से लग रहा है सबके, इस चीज़ का भी है, सबसे कच्चा खेत ही खड़ा है, बाकी तो सबके लगभग पकने वाले ही है। दो चार दिन में दंती लग जाएगी, कुछ में लग भी गई सही है। चलो गन्ने फसल तो सही खड़ी है, अब चलते हैं घर की तरफ को, चल के देखते हैं क्या क्या करना है उधर। ओ भाई रास्ता देखो कितना खतरनाक है, मतलब इस रास्ते पर जाती है ईंट भट्टा है ना सामने, एक भट्टा वो रहा और एक भट्टा इधर है, तो पत्थर लगी हुई है इस रास्ते पर, ईंट ईंट जाती है तो इसलिए सारा रास्ता खराब है। जाती है भगवान सकता कर जाती है भगवान, तो धूल उठेगी धूलम धूल हो जाएंगे, तो इसलिए आराम आराम से। तो जी मौसम देखो कितना बेकार होगा, मतलब धूलम धूल कर दिया, धूलम धूल हो रही है, चढ़ा दी ऊपर धूल धूल होगी। तूफान चल रहा है बहुत तेज, देखो कितना तेज तूफान चल रहा है, और धूलम धूल धूलम धूल भाई के दुनिया भर की धूलम धूल कर दी। कोई नहीं भाई, बाकी मुझे बाहर को जाना था वापस से, अभी आया था तो कोई नहीं, बाहर तो मैं जा नहीं रहा क्योंकि धूलम धूल हो रही है। चलो चलते एक बार जाके देखते हैं कितनी धूल हो रही है कितनी, जैसे कि देख लें कोई दिक्कत नहीं, अब निकलते हैं चलो बाहर।
यहाँ चाचा जी काम करते हैं उनके पास भेजा रहे, अभी बैठे वीडियो बनाते हुए देख रहा था मैं, कुछ काम कर रहे थे तो सब देख रहा था। कोई नहीं, भाई उधर गए हैं खांड देखने के लिए, देखते अगर उधर खांड मिल गया तो खांड लेके चलते, वरना खाली ट्रैक्टर लेके चलेंगे। अब चलते हैं सीधा घर, योग्य देख लेंगे। बाकी भाई ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहे थे उसमें, तो सीधा घर ही जाएंगे, खांड वांड का बाद में देख लेगा। तो आगे हम घर, ये देखो हवा की देती चल रही भाई, ऐसे हवा बाइक भी चलानी भारी हो गया, खंड एक क्विंटल खांड थी पर लानी भारी पड़ेगी। चलो कोई नहीं, आ तो गए घर से चलाना। लो जी ट्रैक्टर लेके आ गए हम, फिर बाद में ट्रैक्टर लेने चले गए, ट्रैक्टर ले आए। बाकी हवा तो अभी ज़बरदस्त चल रही है भाई। मैं आ गया हूँ घर, और मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ क्योंकि पहले से घर भाई के साथ वो लेने चले गया था, क्या बोलते उसको, खांड। उसके बाद फिर हम दोबारा ट्रैक्टर लेने चले गए थे, तो ट्रैक्टर लेके बस अभी आए भाई घर गए, तो मुझे फ़ोन चार्जिंग पर लगाना था, फ़ोन चार्जिंग पर लगाने के लिए आऊँ। बाकी सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हवा तो भाई बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, पूरी धूल ही धूल कर रखी है पूरे चेहरे पर, एक जगह देख सकते हो। कुछ नहीं करते, क्या करें, अब मुँह हाथ धोते और फ़ोन चार्जिंग पे लगाते और मुँह हाथ धोते बाहर को चलते हैं देख के भाई के। चलो जी, बाकी मैं हुआ हूँ सारे काम से फिर जी, क्योंकि उसके बाद में पापा चाचा भाई और भी कई सारे लोग बैठ गए थे, तो उनसे बातें करने लगे, बातें करते करते बिजी बहुत हो गए थे, तो जब बिजी हो गए थे तो कुछ कर नहीं सकते थे, कोई दिक्कत नहीं अपना। फिर उसके बाद अभी सब गए हैं, पापा गए किसी को मशीन मशीन वाले को देखने, तो भाई भाई चले गए थे घर, अंकल भी चले गए थे घर। चलो कोई नहीं, अब ऐसा करते, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते, ब्लॉग अच्छा लगता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर करो, बाय।